प्लीज सब्सक्राइब करें टीआरपी न्यूज चैनल को और दबाएं इस घंटी को। राउंड मार के कॉम्बिंग आपकी जारी रहे सर, कहीं कोई और बदमाश ना छुपे, लगातार कॉम्बिंग आपकी जारी रहे, टीम लगाते हैं ठीक है। राहुल मलिक जो दीवान जी के साथ में बेहतरीन तबला बन जाए सर, ये दीवान जी थोड़ा थोड़ा सामग्री है सर, अभी लोगों का खा खा कर आपके थोड़ा थोड़ा जनपद रामपुर में जो अपराधियों के खिलाफ अभियान चल रहा था, उसी के तहत आज जो हमारी टीम थाना गंज की टीम और एसओजी टीम को सूचना मिली कि गंज थाना अंतर्गत ये मंडी क्षेत्र में यहाँ पे कुछ बदमाशों की होने की सूचना प्राप्त हुई। यहाँ पे जो हमारी टीम यहाँ पे पहुँची तो यहाँ इस तरीके से अपराधियों के द्वारा फायरिंग की गई, पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई। इस जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी को गोली लगी है जिसका नाम सुभान उर्फ पापू है। इससे ये मालूम चला है कि 20 से भी ज़्यादा इस पर संगीन मुकदमे हैं और हमारी जो ये टीम है यहाँ पे अभी भी कॉम्बिंग जारी है और ये तस्दीक किया जा रहा है कि इसके अगर अन्य भी साथी है तो उनको भी बड़ी सख्ती के साथ उनसे भी निपटा जाएगा। और सराहनीय कार्य करने वाली जो हमारी थानागंज की टीम है, एसओजी की टीम है, इनको 15,000 रुपये इनाम भी दिया जा रहा है और ये भी इंश्योर कराया जा रहा है कि जनपद रामपुर में ऐसे जितने भी अपराधी हैं उन सब पे लगातार कार्रवाई चलती रहेगी और अगर वो गोली चलाते हैं तो जवाबी कार्रवाई भी कराई जाएगी। और फिलहाल लेकिन यहाँ पर एक अपराधी को पकड़ के इनको भेजा गया है और के लिए भी कॉम्बिंग हम लोगों की जारी है। कुछ फरार भी हैं क्या? मैंने जैसे बताया एक अपराधी, उसको गोली लगी है, कॉम्बिंग अभी मेरी जारी है, कॉम्बिंग के बाद चेक करवाएंगे कि इसके गैंग अगर चला रहा है तो और इसके कौन साथी हैं और किन कार्यों में ये लिप्त है। लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह है कि जनपद रामपुर में थाना गंज और एसओजी की टीम के द्वारा ये पुलिस मुठभेड़ हुई है जिसमें एक अपराधी को गोली लगी है और भविष्य में भी इसी तरीके के अपराधियों पर कार्रवाई चलती रहेगी।